मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा में जबलपुर के उत्कृष्ट विद्यालय की छात्रा सिमरन कोष्ठा ने प्रदेश में 10वां स्थान हासिल किया। 12वीं की परीक्षा में गणित संकाय की छात्र है सिमरन कोष्ठा। नमस्कार, मैं हूं शिवम कुशवाहा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। जबलपुर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मॉडल हाई स्कूल की छात्रा सिमरन कोष्ठा मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा के परिणामों की प्रदेश की मेरिट लिस्ट में 10वां स्थान हासिल किया है। सिमरन कोष्ठा गणित संकाय की छात्रा है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनके टीचर और माता पिता की कड़ी मेहनत का नतीजा है कि उन्हें 12वीं के परीक्षा परिणामों में मध्य प्रदेश में 10वां स्थान हासिल हो सका। माता पिता द्वारा उन्हें पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित हमेशा से ही किया जाता रहा। उनके द्वारा लेट नाइट स्टडी भी परीक्षा के दौरान की गई थी, जिसके कारण उन्हें यह उपलब्धि हासिल हो सकी है। वह स्कूल के शिक्षकों द्वारा भी उन्हें पूरा सपोर्ट किया गया, जिसके कारण उन्हें पढ़ाई में भी किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा और 12वीं के रिजल्ट में उन्हें 10वीं रैंक हासिल हो सकी। तो देखिए मीडिया से बात करते हुए सिमरन कोष्ठा ने क्या कहा। बताइए, आपने टॉप 10 में जगह बनाई है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि मैंने एमपी की स्टेट मेरिट लिस्ट में 10th रैंक हासिल की है। 12th एक महत्वपूर्ण क्लास होती है जिसमें टॉप करना है, अच्छे नंबर लाना सबका टारगेट होता है। कैसे मेहनत की आपने, कैसे ये टारगेट अचीव किया? मैंने मेहनत तो पूरी की थी, बाकी मेरे को सपोर्ट भी मेरी मम्मी पापा और टीचर्स से मिला है और मेरी दीदी ने भी मेरी बहुत हेल्प की है। मैथ्स एक टिपिकल सब्जेक्ट माना जाता है, तो इसमें किस तरह से तैयारी की है? मैथ्स वैसे मेरा फेवरेट रहा है और मेरे को मैथ्स में कभी ऐसी डिफिकल्टीज आती भी थी तो डाउट्स टीचर से क्लियर हो जाते थे। क्या दिनचर्या रहती थी पढ़ाई के दौरान? दिनचर्या वैसे तो 6 to 7 hours स्टडी करते थे और बाकी मेरा लेट नाइट स्टडी करने का रहता था। क्या बनना चाहते हैं? मैं सीएस की ब्रांच से कंप्यूटर साइंस लूंगी और फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहूंगी। शुभ नाम बताएं। मेरा नाम सिमरन कोष्ठा है। बच्चे अगर अच्छे नंबर लाते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी पेरेंट्स को, टीचर्स को। अच्छा, बहुत खुशी हो रही है लोगों। कैसा मेहनत करती थी आपकी बच्ची, कितना पढ़ती थी? ये नाइट में तो 2-3 बजे तक पढ़ती थी, रात में हम लोगों को बोलना पड़ता था कि सो जाइए, और ऑनलाइन क्लास भी चलती थी और स्टाफ का भी अच्छा सहयोग मिला हमें। एज अ पेरेंट्स क्या संदेश देना चाहेंगे दूसरे पेरेंट्स को? मैं यही बोलना चाहता हूँ कि यानी बच्चों पर खास ध्यान दें, पढ़ाई पर ध्यान दें और बच्चों की जो आगे करने का जो इच्छा रहती है तो उसको पूरी करें। जबलपुर से हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, देखते रहिए द खबरदार न्यूज।